Hello students and welcome to my channel. Today we shall do chapter number 5 nouns gender. इस chapter में हम पढ़ेंगे gender किसे कहते हैं and हम genders कितने तरह के होते हैं, उनको कैसे identify करेंगे, पहचानेंगे वो पढ़ेंगे और how to change the nouns from one gender to the other. आइए पढ़ते हैं identification of masculine and feminine nouns, identification of common gender and neuter gender nouns, changing the nouns from masculine to feminine and from feminine to masculine. Let us read about Riya and Rahul. यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक रिया है और एक राहुल है. Riya is a girl. वो एक लड़की है. She is Rahul's sister. Rahul जो है एक boy है. He is a लड़का. वो Riya का भाई है. He is Riya's brother. अब ये highlighted words को observe करेंगे. The words girl and sister are feminine nouns. अब देखिए, nouns जो है they stand for any name, place, animal, thing. अब इस chapter में हम पढ़ रहे हैं कि जो person है वो दो genders में divide होते हैं. एक तो लड़कियों वाला कैटेगरी और एक लड़कों वाला कैटेगरी. द लड़कियों वाला कैटेगरी और द फीमेल कैटेगरी आर कॉल्ड फेमिनाइन नाउंस एंड द लड़कों वाला कैटेगरी या फिर बॉयज जिसे हम बोलते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू मैस्कुलाइन नाउंस. ठीक है, सो यहाँ पर गर्ल एंड सिस्टर आर फेमिनाइन नाउंस, बॉय एंड ब्रदर आर मैस्कुलाइन नाउंस. अब ऐसे याद करेंगे, द वर्ड मैस्कुलाइन स्टार्ट्स विद द वर्ड अल्फाबेट एम, दैट मीन्स मेल. And feminine starts with the alphabet F, तो उसको हम याद रखेंगे feminine से F और female से F. ठीक है, now notes, masculine nouns are words used for all males. सारे males के लिए हम masculine nouns use करते हैं. Example, विराट कोहली, boy, duke, landlord. विराट कोहली क्रिकेटर का नाम है, वो एक लड़का है. Boy लड़का है. Duke मतलब जिसे हम किंग कहते हैं. लैंडलॉर्ड आपका जो घर का मालिक है वो लैंडलॉर्ड कहलाता है. एग्जाम्पल्स ऑफ फेमिनाइन नाउन्स विच आर वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर ऑल फीमेल्स. एग्जाम्पल्स है क्वीन, लेडी, मदर एंड फेरी. अब तो और नाउन्स होते हैं जेंडर के नीचे, वो होते हैं आपके न्यूटर जेंडर. न्यूटर मतलब न्यूट्रल, ना ही वो फेमिनाइन नाउन्स में आते हैं ना ही वो मैस्कुलाइन नाउन्स में आते हैं. और ये वाले जेंडर्स जो होते हैं दे आर यूज्ड फॉर लाइफलेस और नॉन लिविंग थिंग्स, उन चीजों में जिनमें जान नहीं है, जैसे कि हमारा बुक, रॉकेट, टेबल, न्यूज़पेपर, चेयर. क्या इनमें जान है? आर दे लिविंग थिंग्स? नो, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, दे आर लाइफलेस. देयरफॉर दीज नाउन्स कम अंडर न्यूटर जेंडर. नेक्स्ट है कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर जो है, अब नाम कॉमन से ही आपको पता चल रहा है कि दोनों में होगा, सो इट इज यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. एग्जाम्पल्स मिनिस्टर, डॉक्टर, सिंगर. अब नीचे एक लिस्ट दिया गया है ऑफ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नाउन्स, इसको आपको लर्न बाय हार्ट करना है. यू हैव टू मेमोराइज दिस, याद करना है. ठीक है, जैसे प्रिंस का हो गया प्रिंसेस, लायन लायनेस, मैन वुमन, हेडमास्टर हेड मिस्ट्रेस, एम्परर एम्प्रेस, नेव्यू नीस. देखिए इसको हम नेफ्यू नहीं पढ़ते, नेव्यू पढ़ते हैं. ठीक है, सर मैडम, मंक नन, विडोअर विडो, हीरो हीरोइन, पीकॉक पीहेन, टाइगर टाइग्रेस, ब्राइडग्रूम ब्राइड, ड्यूक डचेस, सेल्समैन सेल्स वुमेन. यू हैव टू लर्न ऑल दिस बाय हार्ट, आपको इसको याद करना है. ठीक है, अब वर्कशीट वन करते हैं. हेल्प डोरिस द डॉल्फिन. डॉल्फिन कॉमन नाउन, उसका नाम है डोरिस, तो डोरिस प्रॉपर नाउन. टू कैटेगराइज मतलब इनको कैटेगरी में डालना है कि ये कौन से जेंडर के हैं. कैटेगराइज द नाउन्स इन द बॉक्स अंडर द करेक्ट हेडिंग्स. पहला वाला देखेंगे बेबी.
ठीक है, बेबी जो है वो आपका कौन से नाउन ये में आएगा, जेंडर में? वो आपका आएगा कॉमन में, क्योंकि हम बेबी से ये समझ में आता है कि वो एक बेबी बॉय भी हो सकता है या बेबी गर्ल भी हो सकती है। तो ये मैंने आपके लिए ये आंसर सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इनको रेफर कीजिएगा। ठीक है, वर्कशीट 2, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स अप्रोप्रिएटली। सही तरीके से जो जिस हिसाब से चेंज होना है वो चेंजेस आप करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं उनका आप उनका जेंडर चेंज करके लिखेंगे। द हीरोइन हीरो वॉज रेडी फॉर द शूट, द प्रिंस वॉज रेडी फॉर द राइड, प्रिंस का हो जाता है प्रिंसेस, द डैश डचेस शुक हैंड्स विद द डैश क्वीन, द ड्यूक शुक हैंड्स विद द किंग। फोर्थ, बीवेयर ऑफ द टाइग्रेस, टाइगर का हो जाता है टाइग्रेस, द डैश हेड मास्टर कंडक्टेड द असेंबली, हेड मिस्ट्रेस, द डैश सेल्समैन लुक टायर्ड, द सेल्स वुमेन लुक टायर्ड। अब हॉट्स एंड वीबीक्यूज यूज करेंगे। राज हैज बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस एन आवर, 1 घंटे से राज एक लड़का है जो टीवी देखता जा रहा है। हिज लिटिल सिस्टर वॉन्ट्स टू वॉच हर फेवरेट टीवी शो ऑन द टेलीविजन, उसकी जो छोटी बहन है उसको अपना फेवरेट टीवी शो टीवी पे देखना है। अब राज को क्या करना चाहिए? ए विथ अ स्माइल लेट हिज सिस्टर वॉच हर फेवरेट शो ऑन द टेलीविजन, या फिर बी इग्नोर हर एंड कीप वॉचिंग टेलीविजन विथ होप दैट शी विल गो अप। तो राज को क्या करना चाहिए बच्चों? राज को हंसते हुए अपने बहन को उसका फेवरेट टीवी शो देखने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अच्छे भाई की तरह अपने बहन के साथ टीवी टाइम शेयर करना चाहिए उसको। ठीक है, क्योंकि भाई बहन में प्यार बरकरार रहे तो अच्छा रहता है। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर जेंडर चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे पढ़ सकते हैं। बेल आइकन को ऑन रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।